दोस्तों पिछले 3-4 महीनों से कोई भी वीडियो कोई भी ट्यूटोरियल्स मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ दिया नहीं था, और पिछले वीडियो में मैंने ये बताया कि आगे से हम लोग ये कंटिन्यू करने वाले हैं। पर्सनल काम की वजह से मैं ये कर नहीं पा रहा था, और उन दिनों में मैंने कई सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किए, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर मुझे सपोर्ट किया है। और उन पोस्ट में 2 ऐसी पोस्ट है जो कि एकदम अनबिलीवेबल है, मतलब वो जो इफ़ेक्ट है वो मोबाइल में हो सकते हैं इस पर शायद ही आप यकीन करोगे। जी हाँ, मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, ये जो 2 इफ़ेक्ट है वो मैंने मोबाइल में ही तैयार किए हैं। तो आज के इस वीडियो में ये जो वाटर कलर इफ़ेक्ट है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊँगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवा, आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो इफ़ेक्ट हमने दिया है वो मोबाइल में ही दिया है, और उसके लिए मैंने एप्लीकेशन का यूज़ किया है, उसका नाम है IBIS Paint X। जी हाँ, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर माय गैलरी में जाना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी साइज़ यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर प्री जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसमें से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, ये साइज़ मैंने सिलेक्ट की। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई टेक्स्ट आपको बनाना है या फिर किसी और एप्लीकेशन में टेक्स्ट बना के कैलीग्राफी बना के आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो 1 लिखा है उसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे जो कैमरे का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके पिक्चर को ही इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, अब जो वाटर टेक्स्ट है उसके लिए मैं एक बात आपको बता दूँ कि आपको जो ब्रश है वो सिर्फ राउंड ब्रश ही चूज़ करना है। ये देखिए, इस तरीके का ब्रश आपको चूज़ करना है, क्योंकि वाटर ड्रॉप जो होता है उसकी बॉर्डर्स नहीं होती, तो इस वजह से बॉर्डरलेस ब्रश जो है वो हमें यहाँ पे चूज़ करना है। तो ये देखिए, ये जो ब्रश है वो हमारे काम के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी बॉर्डर्स नहीं है, देखिए आप इसके जो कर्व्स है वो एकदम राउंडेड है। ठीक है, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब सबसे पहले आपको जाना है यहाँ ब्रश सेक्शन में, जाने के बाद फिल्टर पे आपको क्लिक करना है, ये सब फिल्टर इफ़ेक्ट्स इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाते हैं। अब हमारा जो इफ़ेक्ट है वो आपको यहाँ पर स्टाइल सेक्शन में मिल जाएगा, ये देखिए वाटर ड्रॉप जो राउंडेड इफ़ेक्ट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले एक बात आप यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर बैकग्राउंड आपका रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं कोई सा। तो ये देखिए दोस्तों, ये बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट कर ले, इसे पूरा मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और इसे डन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा कैंसिल कर लीजिए, फिर ये जो लेयर है उसको यहाँ से पकड़ के नीचे ले लीजिए, आपका जो टेक्स्ट है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ये लेयर सिलेक्ट करनी है, और फिर इफ़ेक्ट में जाना है, फिल्टर इफेक्ट में जाना है, उसके बाद आपको स्टाइल सेक्शन में ये जो वाटर ड्रॉप राउंडेड इफेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे की सेटिंग्स भी आप समझ लीजिए एक बार, ये देखिए ये जो पॉइंट है वो आप जिस तरीके से करना चाहते हैं इफेक्ट, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आप चाहे तो यहाँ पर भी ले जा सकते हैं, और यहाँ पर लाने के बाद आपको आपके हिसाब से ये इफ़ेक्ट लेना है। देखिए आप पूरा राउंड इसे घुमा सकते हैं, और इसके बाद आपको जो अच्छा लगे इफ़ेक्ट वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं फ़िलहाल यही पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा इफ़ेक्ट, उसके बाद इसी को हम दोबारा क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस का ऑप्शन है, जो शाडो डिस्टेंस है वो भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैटनेस जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपका फ्लैटनेस दिखाई देगा। बैक लेते हैं, उसके बाद जो हाइट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए हाइट में बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे भी इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, देखिए स्मूथनेस जो है वो भी आप इसका बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपको ये इफ़ेक्ट जो है नज़र आएगा। और यहाँ पे जो रिफ़्लेक्टिव इंडेक्स है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हाइलाइट्स भी है, उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और हाइलाइट की साइज़ जो है
वो भी आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये इफेक्ट है, आप यहाँ से डन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रीसेट करना है, तो इस पर क्लिक करके आप रीसेट कर सकते हैं। बैक लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से डन कर लीजिए। ये रहा आपका वाटर कलर इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपका वाटर कलर इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप ये जो लेयर है उसको डिसेबल कर सकते हैं, या फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये कलर इफेक्ट जो है वो आप बाद में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये जो कलर इफेक्ट है वो दिया था, वाटर कलर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको ये इफेक्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की वीडियो में हम जो स्क्वायर वाला इफेक्ट है वो बताएंगे किस तरीके से आप इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगे वाली वीडियो जब आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल जाएगी।